हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ अर्बन एक्सटेंशन सेकंड का अपडेट, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 3 से लेकर और सेक्टर 5 होते हुए होलंबी गांव तक। अभी हम हैं, ये सोनीपत जाने वाला जो सेक्शन है ये उसका हिस्सा है। ये जो फ्लाईओवर और ये लेफ्ट वेंडर पास है, ये मेन जो सामने कैरिज वे है उससे कनेक्ट होने के लिए बनाए जा रहे हैं। और लेफ़्ट में जो बोर्ड लगी हुई है ये RKCPL, ये लोग पैकेज 4 को बना रहे हैं यहाँ पर, जो जिसके लिए ये 0 पॉइंट है। यहीं से शुरू होगी, ये सोनीपत बाईपास तक जाएगा, जैसे इस पर लिखा हुआ बवाना टू सोनीपत बाईपास। हम यहाँ से चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और वहाँ हम देखते हैं कि पहले के मुकाबले अब कितना कितना काम हो गया। ये लेफ़्ट में आप देख पाएंगे एक अंडरपास बन रहा है जिस साइड से हम आए हैं। यहाँ से आते हुए और हमें रोहिणी या द्वारका की साइड जाना, तो इस अंडरपास से होते हुए हम अर्बन एक्सटेंशन 2 के मेन हाईवे पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से हम लेफ़्ट ले लेंगे, इस वाले हिस्से में जो अंडरपास है वो बन चुका है, ये उसी के ऊपर अभी हम हैं। ये वाला हिस्सा देखो, इसमें DBM का काम हो चुका है, पब्लिक के लिए इतने हिस्से खोला हुआ है। ये हमारा पैकेज 1 है और ये 0 पॉइंट है सोनीपत जाने वाली जो रोड यहाँ से निकलेगी उसके लिए। और ये देखो, ये लिखा है 7+660, मतलब कि ये अलीपुर से जहाँ से ये शुरू होता है वहाँ से 7 किलोमीटर 660 मीटर की डिस्टेंस पर है। जो सोनीपत GT रोड अलीपुर की साइड से जो लोग आएंगे और जिसे बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जाना है, वो इस वाले फ्लाईओवर से होकर और ये साइड बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सोनीपत जा सकते हैं। और ये बीच में हाई टेंशन की लाइन आ गई है जिसके लिए ये स्टील वाले पोल आ गए हैं, ये लगाकर यह लाइन ऊंची करेंगे, उसके बाद ये बीच वाला हिस्सा बनेगा। अभी गर्डर्स बना के तैयार रखे हुए हैं, लेकिन इन पिलर से बीच में लगा सकते हैं लेकिन उससे आगे नहीं है अभी। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही सेक्टर 5 की साइड चलते ही एक ये अंडरपास बनाया जा रहा है। ये कैरिज वे है यहाँ से अलीपुर की साइड जाते हुए, ये अंडरपास है बेसिकली, यहाँ से ये टर्न हो जाएगा और ये सामने सेक्टर 34 है दाएँ साइड में, और इधर यमुना कैनल के साथ साथ सड़क है उस पर जाके ये मिलेगा। अंडरपास बनाने का काम कुछ दिन पहले देखा था खुदाई हो रही थी, अब पहले से काफ़ी काम हो चुका है इसमें। अब हम यहाँ से थोड़ा आगे आ गए, यहीं इसी पॉइंट से नीचे से ये अंडरपास जाएगा सेक्टर 34 के लिए। सेक्टर 34 जो है अलीपुर से मेन GT रोड से लगा लो लगभग 7.5 किलोमीटर है। मुझे कमेंट में भी कई बार आता है कि सेक्टर 34 का डिस्टेंस GT रोड से कितना है, तो ये डिस्टेंस जो है लगभग 7.5 किलोमीटर है। और अब इसे किलोमीटर कई बीच बीच में लिखे हुए दिखाई भी देने लगे हैं। और ये लेफ्ट में देखो, ये पोल यहाँ रखे हुए हाई टेंशन लाइन के लिए। यहाँ सड़क की ऊंचाई भी अभी लेवल में नहीं लाई गई है क्योंकि हाई टेंशन की लाइन है ऊपर
और इनकी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, उन्हें दिक्कत ना हो इसलिए भी इसको ऊंचाई पर ही छोड़ा गया। यहाँ ये लेफ्ट में एक रास्ता जाता है, ये सेक्टर 5 निकल जाएगा। सेक्टर 5 में पावर प्लांट है लेफ्ट में। यहाँ ये पोल्स लग गए यहाँ पे। लास्ट टाइम जब आए थे पोल्स नहीं थे, यहाँ पर पोल लगाए जा चुके हैं बिजली के। अब हम इसको यहाँ से बनाते हैं बाहर निकल के वीडियो। ये एग्जिट देखो, ये बना हुआ है। ये देखो जसली का 6+7=6 ये डिस्टेंस है GT रोड से। हाँ, ये चीज़ मुझे दिखानी थी। ये देखो ये एग्जिट्स हैं इसके, ऐसे ही एग्जिट काफ़ी जगह अब बने हुए दिखाई देने लगे हैं। जिसको भवाना इंडस्ट्रियल एरिया में जाना है या ओलंपिक की साइड जाना है वो यहाँ से एग्जिट ले सकता है। और पोल्स भी यहाँ पे लगे हैं अभी बिजली के, पहले नहीं थे ये। अगर इस टाइप का काम देखते हैं तो लगता है कि सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ जगह के काम ऐसे हैं जहां देख के लगता है कि ये काम लेट हो जाएगा। यहां DBM बिल्कुल कंप्लीट है। अभी सर्विस रोड को मेन हाईवे से नहीं जोड़ा गया है, बीच का हिस्सा भी इसमें बचा हुआ है। ये भवाना सेक्टर 5 में पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट। यहाँ तक इन्होंने DBM करके छोड़ा हुआ है। जो रोड है ये इससे पहले DD ने भी यहाँ बना दिया था इतने हिस्से में, और काफी काम भी आता था हम लोगों के। अब फिलहाल भी इसको दोबारा से खोल दिया गया पब्लिक के लिए। यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी बिजली वाले इलेक्ट्रिसिटी के पोल लग गए हैं, बीच में भी लगा दिए हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे भी हैं, बीच में भी हैं, बिल्कुल सीधे तो नहीं है कहीं जगह, पता नहीं क्यों। यहाँ देखिए आप, यहाँ देख सकते हैं दोनों साइड यहाँ फ्लाईओवर्स हैं, और ये बिल्कुल सीधे जाने के लिए नहीं है। बेसिकली ये यहाँ से जिसे दाएं साइड जाना है तो ये उसके लिए बुल है लेफ्ट वाला, और सेम ये जो हमें दाएं साइड दिखाई दे रहा है बुल, ये लोग ये बनेगा जो सेक्टर 5 में मॉल के पास से जो ट्रैफिक आएगा वो इस पुल से चढ़ कर और अर्बन एक्सटेंशन के मेन कैरिजवे पर आ जाएगा। हम अब उस वाले पॉइंट से थोड़ा सा आगे आ गए हैं। ये वाला पॉइंट भी काफ़ी बड़ा इंटरसेक्शन बनने वाला है। यहाँ पर ये फ्लाईओवर देखो, ये जो बनाए जा रहे हैं ये सर्विस रोड से फ्लाईओवर चलेगा, और ये बेसिकली काम आएगा जिसे यहाँ से दाएं साइड में जाना है उसके लिए। मतलब ये बिल्कुल सीधे जाने के लिए फ्लाईओवर नहीं है, ऐसे ये वाला जो फ्लाईओवर है ये
ये है जो सेक्टर 5 से जो गाड़ी आएंगी, सेक्टर 5 जो मॉल है इस साइड, उस साइड से जो ट्रैफिक आएगा वो इस फ्लाईओवर से होते हुए इस साइड आ जाएगा, और बाकी उस साइड से आने के लिए अलीपुर की साइड से ट्रैफिक आएगा वहाँ के लिए यहाँ अंडरपास बनाया जा रहा है, वो भी दिखाता हूँ अभी आपको। अब हम पहुँच गए हैं 5+400, 5 किलोमीटर 400 मीटर GT रोड से यहाँ तक। ये देखिए, ये ऐसे अंडरपास यहाँ बनाए जा रहे हैं। ऐसा ही वहाँ बाएं साइड भी है और ये वाला भी है। ये अभी हमारी डायरेक्शन है रोहिणी की साइड देखते हुए, रोहिणी द्वारका, और ये वाली जो साइड है ये अलीपुर की साइड। यहाँ से जो ट्रैफिक आएगा उस साइड में भी एक अंडरपास है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। अब बीच में डिवाइडर ये बना दिया तो वापसी में दोबारा बनाता हूँ। ऐसे ही इस साइड भी एक अंडरपास है, वहाँ से जिसको भी अगर भवाना इंडस्ट्रियल एरिया जाना है तो वो यहाँ से दाएं साइड मुड़ सकता है इस अंडरपास से होते हुए, और वापस अगर आना है तो भी आ सकता है। ये इस टाइप से बनाए जा रहे हैं, इसका ही मैं दिखाऊंगा अभी वीडियो बना के। यहाँ ये अंडरपास है, उसके बाद एक सर्विस रोड भी है, और जो अंडरपास से जो ट्रैफिक आएगा उसे जब इसमें हाईवे में एंट्री लेनी होगी तो ये सामने बनी हुई है, देखो ये स्पेस यहाँ दे दी है। यहाँ पोल्स लग चुके हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं।
ये हम पहुंच गए हैं होलंबी, दाएं और बाएं साइड दोनों साइड होलंबी गांव है। और ये सामने जो है यहीं से शुरू होगा ये फ्लाईओवर, जो कि यहां से शुरू होगा और ये ख़त्म होगा अलीपुर और नरेला को जोड़ने वाली सड़क के ऊपर से जाने के बाद, और पहले रेलवे लाइन को क्रॉस करेगा, उसके बाद में अलीपुर नरेला जो रोड जाती है उसको करेगा। इस पर अभी DBM किया गया है, DBM की 4 लेयर इस पर दिखाई दे रही हैं बीच वाले पार्ट में, साइड में भी बचा हुआ है कुछ हिस्सा। इसकी चौड़ाई देखो, और ये सर्विस रोड है, इतना चौड़ाई है, यही कमाल है UER2 का। मेन जिन्हें सीधा जाना है उसे साइड से कोई भी डिस्टरबेंस किसी भी तरीके की नहीं होने वाली है। इस वाले वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और एक आपको नेक्स्ट वीडियो में इस वाली अपडेट, ये वाली अपडेट दिखाता हूँ सामने, जो ये फ्लाईओवर बनेगा रेलवे लाइन के ऊपर, इसकी अपडेट में एक अलग वीडियो बना के दिखाता हूँ।